8 जून 2020 ये वो दिन था जब सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर दिशा सालियान की मौत हुई थी। बता दें कि दिशा मुंबई के मलाड रीजेंट गैलेक्सी नाम की बिल्डिंग में अपने मंगेतर के साथ रहती थी। उसके 14वीं मंजिल से गिरकर उनकी मौत हुई थी। बता दें कि दिशा सालियान ने कुछ समय तक सुशांत के साथ काम किया था और सुशांत की मौत से केवल 5 दिन पहले 8 से 9 जून की रात दिशा सालियान ने कथित तौर पर बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उनकी मौत के बाद उनका कॉल डिटेल सामने आया, जिससे पता चला कि दिशा का फोन उनकी मौत के बाद भी एक्टिव था। हालांकि इस पर पुलिस का कहना है कि दिशा का फोन डेटा लेने के लिए उन्होंने ही एक्टिव किया था। वहीं दिशा के व्हाट्सएप पर मिली चैट के अनुसार जो जानकारी सामने आई थी, उसके अनुसार दिशा के मंगेतर कॉलेज के दोस्त हिमांशु, उसके बचपन के दो दोस्त नील, दीप और नील की गर्लफ्रेंड उस फ्लैट में थे जिससे गिरकर उनकी मौत हुई थी। बता दें वो फ्लैट रोहन ने खरीदा था और जल्द ही दिशा और रोहन शादी करने वाले थे। दिशा की मौत के 4 दिन पहले ही वो रोहन के साथ इस घर में आई थी। बता दें कि बिल्डिंग से गिरने के बाद वहीं के वॉचमैन ने पुलिस को फोन करके सूचना दी थी। इसके बाद दिशा और रोहन के चारों दोस्तों को हिरासत में ले लिया गया। बात करें अगर दिशा के मंगेतर रोहन की, तो रोहन के गायब होने से एक बड़ा ही अलग सवाल सामने आया है कि दिशा 14वीं मंजिल से नीचे गिरी तो रोहन को दिशा के पास पहुंचने में 25 मिनट लगे थे, जबकि 25 मिनट का तो वो रास्ता भी नहीं था। अब जरा आप ही सोचिए कि किसी का कोई करीबी मौत के इतना करीब है और तब भी उसको उसके पास पहुंचने में जरूरत से ज्यादा वक्त लगे, तो इसको कुछ और ही समझा जाएगा। रोहन राय के बारे में अगर बात करें तो रोहन राय अभी भी पकड़ से दूर है और सूत्रों के अनुसार दिशा और सुशांत की मौत के पीछे एक ही व्यक्ति का हाथ है और वो कोई बड़ा नेता या फिर बिल्डर है। आपको हम ये भी बता दें कि रोहन राय के पास दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े सवालों का जवाब भी हो सकता है, लेकिन रोहन दिशा की मौत के बाद से गायब है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि रोहन का साथ दे कौन रहा है, कौन है जो सुशांत और दिशा की मौत के पीछे है। बहरहाल इस सवाल के जवाब के लिए हमें एनसीबी और सीबीआई की जांच पूरी होने का इंतजार करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी स्टार न्यूज़।